तो देख लेते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अस्थायी कर्मचारियों में खुशी की लहर। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहाँ पे आपको सेवा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों या सेवा कर्मचारी हो या फिर आप किसी भी विभाग के अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में हो या फिर राज्य सरकार के किसी भी विभाग में अगर आप कार्यरत हो, तो आपके लिए हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लाई जाती है। इसलिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं हर बार यही बोलता रहूं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो जो आए हैं मैं आपको बताता रहता हूं, जब जब पे फैसले आते हैं मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन सरकारें इस जो फैसले हैं हमारे सामान्य सुप्रीम कोर्ट तो उनके फैसले भी मानती नहीं है और हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी मांगें भी पूरी नहीं करती है। तो आज इस वीडियो में सारी बड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ कि किसी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे आप शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मचारी हो या फिर आप रोडवेज के हो या बिजली विभाग के हो या फिर आपकी आप नरेगा कर्मी हो या फिर आप गार्ड हो या फिर आप कहीं पर भी ड्यूटी आपकी लगी हुई है आप अस्थायी तौर पे, तो आपके लिए हर लेटेस्ट अपडेट हमारा चैनल बिल्कुल समर्पित चैनल है, बहुत बड़ा परिवार है, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो देख लेते हैं खबर आपकी क्या आ रही है, उसको जान लेते हैं और उसमें बताते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अस्थायी कर्मचारियों में खुशी की लहर। अस्थायी कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन देने को सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश के बाद राज्य के विभिन्न विभागों में निगम और अन्य स्थायी संस्थाओं में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तमाम सरकारी विभागों में अस्थायी संविदा ओपनल कर्मचारियों की संख्या अब नियमित कर्मचारियों के बराबर ही हो गई है। ऐसे कर्मचारी लंबे समय से एक ही माहौल में स्थायी कर्मचारियों के समान काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो पूरा वेतन मिलता है और न ही स्थायी कर्मचारी जैसा सम्मान। कई जगह तो स्थायी कर्मचारी अपना पूरा सेवा काल ही भविष्य को लेकर अपने असमंजस के बीच बिता देते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश में उन्हें उम्मीद की किरण भी जगी है। तो बात करते हैं अस्थायी कर्मचारियों, इस राज्य की रीढ़ है और कई मौक़ों पर स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बाबत आदेश भी आ चुका है। अब सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों को हित में जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाए। अस्थायी कर्मचारी अपेक्षाकृत काफ़ी कम मानदेय मिलता है, उन्हें स्थायी कर्मचारी के मुकाबले कई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। सरकार को चाहिए इस सुप्रीम कोर्ट आदेश का तत्काल पालन करना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश पहले ही अलग अलग कोर्ट के स्तर पर अलग अलग जो हाई कोर्ट हैं वो भी दे चुके हैं, लेकिन सरकारों को इस पालन करने का कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई है। अब विभागों की बात की जाए तो अस्थायी कर्मचारियों की संख्या स्थायी कर्मचारियों के बराबर है, इसलिए सबको समान वेतन मिलना चाहिए। कम से कम समान वेतन तो दिया जाए, बाकी सुविधाएँ के बाद की बात है। हमारे जो अपना परिवार का पोषण है वो सही से कर सकें, अपना गुजारा सही से हमारे हम जो सेवा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी है वो कर सके। सरकार को चाहिए कि कोर्ट के आदेशों की व्यक्त भावनापूर्ण पालन करें, साथ ही देखा जाना चाहिए कि कर्मचारियों के मामले कोर्ट तक जाए ही नहीं, इससे अनावश्यक वे उठाना पड़ता है। तो देख सकते हो क्योंकि अगर समान कार्य समान का वेतन नहीं दिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि सरकार का भी इसमें वकील वगैरह जो भी होते हैं, केस कोई भी लड़े जाते हैं, खर्चा सरकार का भी होता है, हमारे अस्थायी कर्मचारियों का भी होता है, हमारे सेवा कर्मचारियों का भी इसमें खर्चा होता है। तो मतलब वो दोनों साइड से वे होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुके हैं तो उसको मान लेना चाहिए, हाई कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं तो इसको मान लेना चाहिए सरकारों को। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।